पंजाब की फैक्ट्रियों से छोड़े गए गंदे पानी को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर छतरगढ़ में प्रशासन ने नहर के गंदे पानी को निकालने के लिए 70 किलोमीटर एरिया में फैले झील का सहारा लिया है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन झील के आसपास के लोगों को सूचित कर खाली कराया जा रहा है, ताकि झील के आसपास के क्षेत्रों में जहरीले पानी के खतरनाक परिणाम से आम आदमी और पशुओं को बचाया जा सके। फिलहाल प्रशासन के हरकत में आने से लोगों को उम्मीद जगी है कि जल्द ही जहरीले पानी के प्रकोप से बच सकेंगे। वहीं नहर में फैल चुके गंदे पानी को निकालने के बाद भी 10 से 15 दिनों खतरा बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। वहाँ पर उनका एक एस्केप बना हुआ इरिगेशन डिपार्टमेंट का झील, हाँ जी, जिसे हम लोकल लेवल पर झील कहते हैं, उसके अंदर उन्होंने उस पानी को निकालने के लिए हमें मॉर्निंग में इन्फॉर्म किया था कि हम उस आउटलेट से पानी बाहर निकालेंगे, आगे वाटर सप्लाई एक बार नहीं करेंगे। इस संबंध में प्रशासन और पुलिस दोनों ही, हम मैं और SHO साहब हमारे तहसीलदार थे, हम लोग से मौके पर गए थे। वो जो एरिया है वहाँ कैटल ग्रेजिंग हुआ करती है, तो पहला प्रयास तो हमारा यही था और इमीडिएटली हमने यही किया कि वहाँ से जो सब लोगों को इन्फॉर्म करें, आसपास बुनियादी करवाई हमारे स्टाफ के माध्यम से और लोकल लेवल पे सबको इन्फॉर्म करते हुए वहाँ पे कि सब जो भी अपनी कैटल्स हैं या जो वन्य जीव हैं उनको एक बार बाहर निकालें और वहाँ से वापस कोई एंट्री हो ना पाए जिससे कि इस पानी का कोई यूज़ ना करें। तो सब लोगों को आपस में इन्फॉर्म किया, लोकल लेवल पर भी हमारा काफ़ी सहयोग दिया लोगों ने और अभी पूरी स्टाफ हमारा, प्रशासन का स्टाफ भी वहाँ है, पुलिस भी है और इरिगेशन डिपार्टमेंट भी वहाँ पर मुस्तैद है।